हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैम्पायर ऑटो वर्ल्ड। वेरिएंट एक्सप्लेन की इस एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा की तरफ से सब कॉम्पैक्ट एसयूवी एक्सयूवी 300 के बारे में। भारतीय बाजार की एकमात्र ऐसी गाड़ी है जो अपने पंच इंजन, कंफर्टेबल इंटीरियर और शानदार लुक्स के कारण भारतीय बाजार में एस्टैब्लिश हुई है। शुरू में कहा जाता था कि ये गाड़ी ओवर प्राइज्ड है, लेकिन बाद में जब इसको लोगों ने ड्राइव किया, जब लोगों ने इसके एक्सपीरियंस शेयर किए, तो ये गाड़ी अपने दामों को खरा उतरता हुआ दिखी। इसके अंदर 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन महिंद्रा ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था और वो भी बहुत सक्सेसफुल रहा है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले गाड़ी के ओवरव्यू से। ओवरव्यू में मैं आपको गाड़ी के प्राइजेज और वेरियंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गाड़ी आपको बेसिकली पेट्रोल और डीजल दोनों के ही अंदर ऑफर की जाती है। इसके अंदर हर एक वेरिएंट में आपको पेट्रोल के साथ डीजल का ऑप्शन भी मिलता है, साथ में ही ऑटो शिफ्ट टाइप AMT भी गाड़ी के अंदर ऑफर किया जाता है। गाड़ी के अंदर चार वेरिएंट बेसिकली ऑफर किए जाते हैं, W4, W6, W8 और W8 ऑप्शनल। उसके अलावा दो वेरिएंट और आते हैं, W8 ऑप्शनल को आप ड्यूल टोन में भी खरीद सकते हैं, ठीक है, और बाकी W6 के साथ आपको पेट्रोल और डीजल का सॉरी ऑटोमेटिक जिसमें सॉरी ऑटो शिफ्ट आपको मिल जाता है। ये ऑटो शिफ्ट है, आप W8 ऑप्शनल के साथ ऑटो शिफ्ट खरीद सकते हैं और ड्यूल टोन के साथ भी ऑटो शिफ्ट खरीद सकते हैं। गाड़ी के प्राइजेज 7,96,000 से 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन की प्राइजेज स्टार्ट होती है। 1.5 लीटर डीजल इंजन अगर आप खरीदते हैं तो वो 9,10,000 रुपये का बेस वेरिएंट आपको मिलता है। अगर आप ऑटो शिफ्ट के साथ महिंद्रा XUV 300 को परचेज करते हैं तो पेट्रोल के अंदर गाड़ी 10 लाख रुपीज से स्टार्ट होती है। एक्स शोरूम प्राइजेज दिल्ली है ये, और 11,14,000 इसकी डीजल वेरिएंट है, यानी कि पेट्रोल से डीजल का ऑटो शिफ्ट के अंदर डिफरेंस लगभग 1,14,000 रुपये का रहता है, और यहाँ पर लगभग भी 1,14,000 रुपये का सेम डिफरेंस आपको मैनुअल टू मैनुअल, चाहे आप मैनुअल टू मैनुअल परचेज करें चाहे आप ऑटो शिफ्ट टू ऑटो शिफ्ट परचेज करें, दोनों में ही सेम डिफरेंस रहता है। गाड़ी के ड्यूल टोन को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लगभग 15,000 की एक्स्ट्रा पेमेंट करके आप पेट्रोल में खरीद सकते हैं और वही 15,000 की एक्स्ट्रा पेमेंट करके आप डीजल में परचेज कर सकते हैं। तो ये थे गाड़ी के वेरिएंट्स। वेरिएंट्स के बाद में महिंद्रा XUV 300 एक कॉम्पैक्ट जिसे लोग मेंढक के नाम से भी जानते हैं, उसके डायमेंशंस को नज़र में डाल लेते हैं। डायमेंशंस के हिसाब से गाड़ी एक 4 मीटर सेगमेंट की कार है जो कि 3995 mm के साथ आती है। गाड़ी के अंदर अच्छी खासी 1821 mm की विड्थ ऑफर की जाती है, 1627 mm की हाइट ऑफर की जा रही है, 2600 mm का व्हील बेस है जो अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा व्हील बेस ये गाड़ी ऑफर करती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो लगभग 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस कार में ऑफर हो रही है। 5.3 मीटर के टर्निंग रेडियस के साथ ये आती है। इसमें इंटीरियर स्पेस जो कि सीटिंग के हिसाब से ज़्यादा किया गया है, उस हिसाब से बूट स्पेस आपको थोड़ा सा कम मिलता है, 257 लीटर का। लेकिन ये बूट स्पेस की कमी जो है वो आप गाड़ियों के सीटिंग कंफर्ट में देख सकते हैं। सीटिंग कंफर्ट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी का बनाया गया है। डायमेंशंस, प्राइजेस, वेरिएंट्स के बाद में गाड़ी के अंदर ऑफर होने वाले दोनों इंजन्स को नज़र डाल लेते हैं। तो गाड़ी में जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों ही आपको टर्बोचार्ज्ड इंजन ऑप्शन किए जाते हैं, चाहे आप पेट्रोल में खरीदें चाहे आप डीजल में खरीदें। 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन गाड़ी में ऑफर किया जाता है। पेट्रोल इंजन 110 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 200 Nm टॉर्क के साथ, और डीजल इंजन 115 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 300 Nm के टॉर्क के साथ। गाड़ी के अंदर 42 लीटर का फ्यूल ऑफर किया जाता है। W4 वेरिएंट को छोड़कर के बाकी सभी वेरिएंट में W6, W8 और W8 ऑप्शनल के अंदर आपको 17 इंच के व्हील मिल जाते हैं जो कि 215:55 प्रोफाइल के साथ आते हैं, लेकिन W4 के अंदर आपको 16 इंच के व्हील ही मिल पाते हैं जो कि 205:65 प्रोफाइल के साथ आते हैं। गाड़ी में आपको स्टील व्हील, उसके अलावा अलॉय और डायमंड कट अलॉय व्हील भी ऑफर किए जाते हैं। तीनों ही टाइप के व्हील्स आप गाड़ी के अंदर ले सकते हैं। अब हम गाड़ी के हर एक वेरिएंट को डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं, इंजन्स तक, इन सब को देख के आपको महिंद्रा XUV 300 का बहुत अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक्सटीरियर से। तो बेस वेरिएंट W4 के अंदर आपको एक्सटीरियर में स्टील व्हील ऑफर किए जाते हैं, सिल्वर टॉप
की अपर ग्रिल, फ्रंट में दो प्रकार की ग्रिल दी जाती है, एक अपर ग्रिल है एक लोअर ग्रिल है, बीच के अंदर एक सेपरेटेड लाइन दी गई है। अपर जो है वो आपको सिल्वर टॉप मिल रही है, नीचे वाली आपको ब्लैक मिल रही है। पीछे की तरफ आपको LED टेल लैंप्स ऑफर किए जाते हैं, ड्यूल टोन का डैशबोर्ड ऑफर किया जाता है। गाड़ी के बेस वेरिएंट को देख के आप नहीं बता सकते ये बेस वेरिएंट है, क्योंकि इसके दोनों ही बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स मिलते हैं और बॉडी कलर्ड ही ORV मिलते हैं, लेकिन टर्न इंडिकेटर जो है वो आपको साइड फेंडर के ऊपर ऑफर किए जाते हैं। आपको इनसाइड के जो डोर हैंडल्स हैं वो ब्लैक कलर के मिलते हैं, फ्रंट और रियर जो स्किड प्लेट हैं वो भी ब्लैक कलर की मिलती हैं। स्किड प्लेट को अगर आप छोड़ दें तो इसके अलावा आप गाड़ी के बेस वेरिएंट और W6 में अंतर नहीं कर सकते हैं। अब हम कंफर्ट और कन्वीनियंस पर मूव करते हैं। तो कंफर्ट और कन्वीनियंस में आपको सबसे पहले ब्लैक फैब्रिक सीट अपोल्स्ट्री मिलती है। फ्रंट के जो सीट बेल्ट हैं उनकी आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे दोनों तरीके से। इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज आपको दिया जाता है। इल्यूमिनेशन सन वाइजर विद वैनिटी मिरर भी गाड़ी में ऑफर किया जा रहा है। सेंटर रूफ लैंप, बीच के अंदर एक रूफ लैंप दिया जा रहा है। कंसोल रूफ लैंप भी आगे की तरफ ऑफर किया जा रहा है। गाड़ी के अंदर फ्रंट में आपको 12 वोल्ट का एक्सेसरी सॉकेट मिल जाता है। चारों ही बोतल में आप बोतल होल्डर देख सकते हैं, जिनके अंदर आप लगभग 1 लीटर की बोतल को रख सकते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM गाड़ी में ऑफर किए जा रहे हैं, लेकिन फोल्डेबल ये नहीं आते हैं। ड्राइवर साइड की जो विंडो है वो एक्सप्रेस डाउन, यानी कि उसको आप एक बार में डाउन तो कर सकते हैं लेकिन आप नहीं कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी ऑफर की जाती है। ये टेक्नोलॉजी क्या होती है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टायर पोजीशन डिस्प्ले भी गाड़ी में ऑफर हो रहा है। फ्रंट और रियर पावर विंडोज आपको बेस वेरिएंट से ही मिलनी शुरू हो जाती हैं। बेस वेरिएंट होने के बावजूद सेफ्टी और सिक्योरिटी का गाड़ी के अंदर अच्छा खासा ध्यान रखा गया है। ये अडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 5 स्टार रेटेड कार है, और अगर चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए देखें तो 4 स्टार रेटेड कार है। एक 5 स्टार रेटेड कार होने के कारण इसके अंदर GNCAP में 5 स्टार की रेटिंग गाड़ी में ऑफर की जाती है। गाड़ी के बेस वेरिएंट में 2 ही एयरबैग दिए जाते हैं, लेकिन इसके टॉप एंड वेरिएंट में 7 एयरबैग तक ऑफर किए जाते हैं, वो आप आगे देख सकते हैं। बाकी जो ज़रूरी के फीचर है जैसे ABS विद EBD, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल, ऑल फोर डिस्क ब्रेक, जो कि अपने सेगमेंट में पहली गाड़ी है। बाकियों में फ्रंट डिस्क और रियर आपको ड्रम ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स गाड़ी में दिए जा रहे हैं। कोलेप्सिबल स्टेयरिंग एंड साइड इंट्रूजन बीम भी गाड़ी में ऑफर किया जा रहा है। सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर को ड्राइवर, दोनों के लिए, ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए ही सीट बेल्ट रिमाइंडर बीप की साउंड ऑफर हो रही है। फ्रंट सीट बेल्ट विद प्री टेंशनल एंड लोड लिमिटर, ताकि इन द केस ऑफ एक्सीडेंट यू विल सेफ। स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, गाड़ी अपने आप डोर लॉक कर सकती है और अपने आप डोर अनलॉक कर सकती है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप पीछे की तरफ दिया जाता है। गाड़ी में इमोबिलाइजर, पैनिक ब्रेकिंग सिग्नल, अगर आप पैनिक में ब्रेक करते हैं तो उसके लिए सिग्नल हो जाते हैं। पैसेंजर साइड के एयरबैग को आप डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं। इन दैट केस वन टच लेन चेंजर इंडिकेटर भी गाड़ी में ऑफर हो रहा है। रियर पार्किंग सेंसर, सेंट्रल लॉकिंग और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड HVAC भी गाड़ी के अंदर ऑफर हो रहा है। यानी कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिहाज से अपने सेगमेंट में सबसे बेहतरीन सेफ्टी अगर नेक्सॉन के कंपेयर के हम कहें तो वो XUV 3W के अंदर ऑफर की जाती है। इंफोटेनमेंट में तो आपको पता ही है बेस वेरिएंट है तो कुछ भी नहीं मिलता है, कम्प्लीटली एम्प्टी आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। आप रेट्रोफिट या फिर ऑन एजेंसी में ही इसको फिट करवा सकते हैं। W4 के बाद में हम गाड़ी के W6 वेरिएंट पर मूव करते हैं। तो वहां पर आपको स्टील व्हील मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्टील व्हील के साथ आपको व्हील कवर भी ऑफर हो रहे हैं। गाड़ी के अंदर अब ब्लैक कलर की रूफ रेल्स भी ऐड कर दी गई हैं। ये एक्टिव रूफ रेल्स नहीं है, आप इनको एक्टिवली यूज नहीं कर सकते हैं। कंफर्ट और कन्वीनियंस में बहुत सारे फीचर्स ऐड हो जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक सनरूफ विद एंटी पिंच मिल जाती है, सनरूफ आपको मिल रही है। स्टेयरिंग माउंटेड फोन एंड ऑडियो कंट्रोल, 60:40 स्प्लिट सेकेंड रो, सेकेंड रो जो है उसको आप 60:40 में स्प्लिट कर सकते हैं ताकि बूट स्पेस इंक्रीज किया जाए। कंसोल रूफ लैंप, एडजस्टेबल हेडरेस्ट फॉर सेकेंड रो, अभी तक आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिल रहे थे लेकिन अब से आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं। फ्रंट के लिए सनग्लास होल्डर, की विद रिमोट, फॉलो मी होम लैंप एंड लेड मी लैंप जैसे फीचर मिल रहे हैं। एक USB चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है, गाड़ी के अंदर सिर्फ एक USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है।
सुपरविजन के लिए क्लस्टर के अंदर 8.89 सेंटीमीटर की TFT स्क्रीन ऑफर की जाती है। तो कंफर्ट और कन्वीनियंस के हिसाब से अब हम गाड़ी के सेफ्टी और सिक्योरिटी में एड ऑन होने वाले फीचर्स की बात करते हैं। तो दो ही फीचर है जिन्हें आप ऑप्शनल खरीद सकते हैं, एक आपका हिल स्टार्ट असिस्ट और दूसरा आपका ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम विद रोल ओवर मिटिगेशन। गाड़ी को ये रोल ओवर नहीं होने देता। अगर आप हाई स्पीड में कॉर्नरिंग कर रहे हैं तो इन दैट केस ESP आपकी बहुत मदद करता है। अब हम बहुत ही ज़रूरी इंफोटेनमेंट वाले फीचर्स पर मूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मोनोक्रोम इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दी जाती है जो कि टच टाइप नहीं है। ब्लूटूथ ऑक्स और USB कनेक्टिविटी को सपोर्ट करती है। गाड़ी के अंदर चार स्पीकर ऑफर किए जाते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर ट्विटर्स की संख्या आपको जीरो मिलते हैं, यानी कि गाड़ी में ट्विटर्स आपको नहीं मिलते हैं। W6 के बाद में गाड़ी के कहने वाले सेकंड टॉप वेरिएंट W8 की तरफ मूव करते हैं। W8 में एक्सटीरियर की अगर बात करें तो यहाँ से आपको भर भर के फीचर मिल रहे हैं, जैसे अलॉय व्हील्स, LED DRLs, क्रोम अपर ग्रिल, पियानो ब्लैक डोर ट्रिम्स, डोर क्लैडिंग दरवाज़ों के ऊपर, LED टर्न इंडिकेटर जो है वो इस वेरिएंट से आपको ORVM पर मिलने शुरू होते हैं। गाड़ी में पीछे की तरफ स्पॉइलर दिया गया है जो कि इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। क्रोम इनसाइड डोर हैंडल, सिल्वर फ्रंट और रियर स्किड प्लेट, अभी तक सिर्फ आपको ब्लैक मिल रही थी, अब से आपको सिल्वर मिल रही है जो इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देती है। गाड़ी में हैलोजन टाइप हेडलैम्प्स अभी तक ऑफर हो रहे थे, लेकिन अब से आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी ऑफर हो रहे हैं, यानी कि एक्सटीरियर में तो लगभग कॉस्मेटिक चेंज के सारे फीचर ही महिंद्रा XUV 3W W8 के अंदर ऑफर हो रहे हैं। लेकिन कंफर्ट और कन्वीनियंस की अगर बात करें तो यहाँ भी अच्छे खासे फीचर ऑफर हो रहे हैं। अभी तक आपको सिर्फ ब्लैक फैब्रिक सीट अपोल्स्ट्री मिल रही थी, लेकिन यहाँ से आपको ब्लैक पल्स फैब्रिक सीट अपोल्स्ट्री ऑफर की जा रही है। ड्राइवर सीट की आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपकी हाइट कम है तो आपको कम से कम W8 वेरिएंट ही परचेज करना पड़ेगा। पैडेड फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज गाड़ी में ऑफर हो रहा है। सेकेंड रो आर्मरेस्ट विद कप होल्डर भी इसके अंदर हो रहे हैं। फ्रंट के और सेकंड दोनों के लिए आर्मरेस्ट यहाँ पे दिया जा रहा है। ड्यूल जोन फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC भी गाड़ी के अंदर ऑफर हो रहा है। पैसिव कीलेस एंट्री को सपोर्ट करते हुए पुश बटन स्टार्ट स्टॉप भी दिया गया है। सिर्फ एडजस्ट आप इलेक्ट्रिकल कर रहे थे, लेकिन अब से आप फोल्ड भी ORVM को इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मल्टी कलर इल्यूमिनेशन का ऑप्शन भी यहाँ से मिल जाता है। इंटेलिजेंट लाइट सेंसिंग हेडलैम्प्स भी दिए जाते हैं और स्मार्ट रेन सेंसिंग वाइपर भी दिए जाते हैं। अगर आपकी लाइट किस हिसाब से है उस हिसाब से आपके हेडलैम्प्स जो हैं वो अपने ग्लो को कम ज़्यादा कर सकते हैं। W8 के सेफ्टी और सिक्योरिटी में एड ऑन होने वाले फीचर्स में सबसे बेस्ट फीचर है जो सर्दियों में बहुत काम आता है, फ्रंट फॉग लैंप। रियर डिफॉगर आपको यहाँ से ऑफर हो रहा है। एंटी थेफ्ट अलार्म भी मिल रहा है गाड़ी के अंदर। इस वेरिएंट में आपको रियर पार्किंग कैमरा विद अडेप्टिव गाइडलाइंस भी गाड़ी के अंदर दिया जा रहा है। इंफोटेनमेंट की बात करें तो आपको 17.78 सेंटीमीटर की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर कर रहे हैं जो कि इनबिल्ट GPS नेविगेशन के साथ आता है। GPS यानी कि आपको मैप अब बाहर से खोलने की जरूरत नहीं है। ये जो स्क्रीन है ये एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। स्मार्ट वॉच से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है। पहले सिर्फ एक USB चार्जिंग पोर्ट मिल रहा था, लेकिन अब से आपको दो USB चार्जिंग पोर्ट गाड़ी में ऑफर हो रहे हैं। गाड़ी के अंदर आप वॉइस कमांड डायरेक्ट दे सकते हैं और SMS रीड आउट का फीचर भी मिल जाता है। दो स्पीकर की जगह अब आपको दो स्पीकर प्लस दो ट्विटर का ऑप्शन मिल जाता है। गाड़ी के W8 वेरिएंट तक आपने सभी वेरिएंट को देख लिया है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन, चैनल को यदि अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे आ रहे इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को आप मिस न कर पाएं। मूव करते हैं टॉप एंड वेरिएंट W8 ऑप्शनल के ऊपर। W8 ऑप्शनल में सबसे बड़ा बाहर के चेंज आता है डायमंड कट अलॉय व्हील्स, और जो अभी तक आपको अपर की तो क्रोम में मिल रही थी, लेकिन अब से आपको लोअर ग्रिल भी क्रोम की इंसर्ट के साथ मिलेगी। कंफर्ट और कन्वीनियंस में तीन चार फीचर ऐड होते हैं। एक है आपका बंगी स्ट्रैप फॉर स्टोरेज और इल्यूमिनेशन फॉर ग्लो बॉक्स। ग्लो बॉक्स के लिए अब आपको डायरेक्ट इल्यूमिनेशन मिल जाएगी। गाड़ी के अंदर ब्लू सेंस कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ऑफर की जाती है। इसके अंदर टायर ट्रॉनिक्स भी मिल जाते हैं, लेकिन अभी तक आप मैनुअल एडजस्टमेंट कर रहे थे IRVM का, लेकिन अब से आपको ऑटो डिमिंग IRVM भी ऑफर हो रहे हैं।
सेफ्टी और सिक्योरिटी में एड ऑन होने वाले फीचर में सबसे बेस्ट एयरबैग का फीचर है इसके अंदर। एयरबैग में आपको मैनुअल के अंदर 6 एयरबैग ऑफर किए जाते हैं, लेकिन अगर आप ऑटो शिफ्ट खरीदते हैं तो गाड़ी के अंदर 7 एयरबैग ऑफर किए जाते हैं, जो अपने सेगमेंट में एकमात्र ऐसी गाड़ी है जो 7 एयरबैग्स को ऑफर करती है। दूसरा, अपने सेगमेंट की भी पहली गाड़ी है जिसके अंदर फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद तो और भी गाड़ियाँ आ गई थी, जैसे सोनेट वगैरह, इनमें भी ऑफर हो रहे थे, लेकिन ये पहली गाड़ी थी। इसके इंफोटेनमेंट में देखें तो इस वेरिएंट में कोई भी फीचर एड ऑन नहीं मिलता है, वही फीचर मिल रहे हैं जो आपको W8 के अंदर मिल रहे थे। तो आई होप आपको गाड़ी के सारे वेरिएंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे किस वेरिएंट के अंदर कौन सी चीज़ मिलती है। बात करते हैं गाड़ी के अंदर कलर ऑप्शंस की। तो कलर ऑप्शंस में आपको इसके अंदर पर्ल वाइट, डी सेट सिल्वर, गैलेक्सी ग्रे, रेड रेज और एक्वामराइन, यानी कि 5 कलर ऑप्शन तो सिंगल टोन कलर ऑप्शन ऑफर किए जाते हैं। 6 छठा है नेपोली ब्लैक। वाइट में आप परचेज कर सकते हो, सिल्वर में परचेज कर सकते हो, ग्रे में परचेज कर सकते हो, रेड में, एक्वामेराइन, ठीक है, पानी जैसा कलर, और ब्लैक। इन 6 कलर में आप सिंगल टोन में गाड़ी परचेज कर सकते हो। 2 कलर ऑप्शन आपको ड्यूल टोन के साथ मिल जाते हैं, जिसमें रेड रेज के साथ आपको व्हाइट का कॉम्बिनेशन मिल जाता है और एक्वामेराइन के साथ भी आपको व्हाइट का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो ये थी महिंद्रा XUV 300 के बारे में वो सारे वेरिएंट एक्सप्लेन और फीचर एक्सप्लेन के ऊपर वीडियो। आई होप आपको इसके सारे फीचर्स और सारे वेरिएंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली एक बेहतरीन और भी शानदार वेरिएंट एक्सप्लेन की वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।